दोस्तों मेरे पास आज ये HP का इंक टैंक वायरलेस 409 है। आज हम इसके ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में नेट चला लेना है। यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च कर देना है HP प्रिंटर 409 ड्राइवर डाउनलोड और एंटर कर देना है। यहाँ से सबसे ऊपरली साइड को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों थोड़े नीचे जाएंगे, यहाँ से दोस्तों हमें तीसरी वाली साइड को ओपन कर लेना है। सॉफ्टवेयर एंड फुल बेसिक ड्राइवर पे क्लिक करना है। यहाँ से हमें ये HP इंक टैंक वायरलेस 419 सीरीज फुल सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोने में ये ड्राइवर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना होगा। हमारा ड्राइवर 133 MB का है। कुछ देर यहाँ वेट करेंगे। यह आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। हमारा ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे ओपन करेंगे। इस पे डबल क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा ड्राइवर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर नो और यस का ऑप्शन आ गया, हमें यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको टिक मार्क लगाना है, आई हैव पे एक टिक मार्क लगाना है। यहाँ एस्पेक्ट पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है, फिर यस पे क्लिक करेंगे, फिर यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ देर वेट करना होगा। इसे कट करेंगे। यहाँ से ऑटोमेटिक पे एक बार यहाँ पर टिक करेंगे एक बार और नेक्स्ट, इसे भी कट करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से इसे कट करेंगे और इसे भी यहाँ से कट करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे।
अब हम अपने ड्राइवर कंट्रोल पैनल में जाके चेक करते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है, हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक करना है, डिवाइस एंड प्रिंटर। यहाँ पर हमारे ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ से हम एक टेस्ट प्रिंट लेके चेक करते हैं। यहाँ पर हम प्रिंटर पर राइट क्लिक करेंगे और प्रिंटर प्रॉपर्टी पे एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों प्रिंट टेस्ट पेज पे एक बार क्लिक करना है। हमारा टेस्ट प्रिंट निकल चुका है दोस्तों। बहुत ही आसानी से आप अपने लैपटॉप या पीसी में ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो।